हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी क्लिनिकल केस रिकॉर्ड फॉर मिडवाइफरी बुक कैसे फिल की जाती है फॉर बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर। क्लिनिकल रिकॉर्ड बुक में ये 11 केस हैं, ये हमको फिल करने होते हैं सारे। फर्स्ट है नॉर्मल डिलीवरी विटनेस एंड अबनॉर्मल डिलीवरी विटनेस एंड ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन विटनेस एंड सिजेरियन सेक्शनिंग विटनेस एंड एंटीनेटल केसेस वजाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट केस एंड एपिजोक्टमी सूचरिंग एंड न्यूनेटल केस एंड पोस्टनेटल केयर एंड CUT सर्चिंग। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंटीनेटल एग्जामिनेशन केस। इसमें हम 30 केस होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि केस को कैसे फिल किया जाता है। चलो मैं बताती हूँ। इसमें ऊपर कॉलम देके रखा है हॉस्पिटल एंड डेट ऑफ बुकिंग एंड रजिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल में आएगा जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो, जैसे इसमें पोस्टिंग है ESI हॉस्पिटल। डेट ऑफ बुकिंग में आएगी एडमिशन। रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है जो हॉस्पिटल में मदर को मिलता है। देन स्टार्ट एंटीनेटल हिस्ट्री। एंटीनेटल हिस्ट्री में आएगी मदर का नेम, मदर का क्या नेम है एंड हस्बैंड नेम एंड एज ऑफ मदर एंड रिलीजन हिंदू मोमडन, ये आएगा। एड्रेस में उसका एड्रेस एंड एजुकेशन में कितनी एजुकेटेड है मदर, ऑक्यूपेशन में क्या करती है, हाउस वाइफ है या फिर जॉब करती है। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, मैरिज को कितनी साल हुए, 2 साल 3 साल। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी उसकी क्या हिस्ट्री है, जैसे कि इस मदर को है पेन एंड ऑब्डोमिनल, एंटीनेटल है पेन हो रहा है ऑब्डोमिनल एंड वॉमिटिंग हो रही है कुछ दिनों से। इसका ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री क्या है, ग्रेविडा सेकंड है कि प्रेगनेंसी फर्स्ट एंड अबॉर्शन 0, अबॉर्शन 1 भी नहीं हुआ है, एल लाइव बर्थ 1 एंड पीरियड जेस्टेशन मदर 6 मंथ 12 डेज। जेस्टेशन मदर मींस कि कितने मंथ वो प्रेग्नेंट है। इसमें है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में इसमें 2 हैं, फर्स्ट पहला बेबी लाइव एंड सेकंड प्रेग्नेंट। और वो फर्स्ट डिलीवरी किस दिन हुई थी, 14 नवंबर को। एंड प्रीटर्म नहीं हुई थी, नॉर्मल हुई थी, इसमें प्रीटर्म पर हम कट लगाते हैं। और फुल टर्म डिलीवरी की फुल टर्म हुई है या फिर प्रीटर्म हुई है, तो हमने फुल टर्म लिखा है। कंडीशन ऑफ डिलीवरी, पहली जो डिलीवरी थी उसमें क्या कंडीशन थी मदर की, पेन था। एंड इसमें है नेचर ऑफ लेबर, जो मदर का पहली प्रेगनेंसी में डिलीवरी में उसका नेचर क्या था, नॉर्मल हुई थी उसकी, और अगर कोई सिजेरियन हुआ है तो वो भी हम लिख सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लेबर, जब वो मदर लेबर में थी तो उसकी कंडीशन क्या थी, लेबर विद पेन था या फिर नॉर्मल था। फिर हम उसे अलाइव, अलाइव मीन्स उसका बेबी अलाइव है या मर गया है, डेथ हो गई है, उसमें हम लिखते हैं। उसके बाद है स्टिल बर्थ, कि वो जो बेबी है बर्थ स्टिल है नहीं। उसके बाद है सेक्स, बेबी का फीमेल है, फीमेल हुआ था या मेल हुआ था। उसके बाद है नेचर ऑफ पिपेरियम, जो पिपेरियम की स्टेज थी उसका नेचर क्या था, नॉर्मल था अबनॉर्मल था। फिर उसके बाद लेटर हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, कि जो चाइल्ड है हेल्दी है या अनहेल्दी है। उसके बाद है पोस्ट हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री में LMP लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इसका था 14/10/2016 लास्ट, और इसकी EDT निकाली थी हमने 18/7/2017 को। उसके बाद इसकी साइकिल देखेंगे, अब नॉर्मल है नॉर्मल है। डिसमेनोरिया देखेंगे प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, जो पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है तो उसमें नो सिग्निफिकेंट लिखते हैं। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में लिखते हैं हम, कोई भी सर्जरी हुई हो पहले तो उसमें मेंशन करते हैं, इसकी सर्जरी नहीं हुई इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पहले कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है या नहीं। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में कोई डायबिटीज़ हाइपरटेंशन HIV TB कुछ है तो नहीं, ये हम फाइंड आउट करते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में हम उसकी पर्सनल हैबिट देखते हैं, कितने टाइम वो सोती है, वेजिटेरियन, वावल, यूरिन पैटर्न हम कुछ पूछते हैं। उसके बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम बेबी की हाइट वेट एंड टेम्परेचर, जो मदर है उसकी कितनी हाइट है, मदर की कितनी वेट है और टेम्परेचर क्या है उसका, एंटीनेटल टाइम एंड पल्स रेस्पिरेशन एंड BP चेक कर। उसके बाद उसके सिम्टम्स देखते हैं कि एंटीनेटल के टाइम उसको कोई पेन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, येलो रेड वाइट तो कोई नहीं आ रहा तो नो लिखते हैं, और वाइट आ रहा है तो वाइट पे टिक लगाते हैं।
मैच्यूरेशन में हम नॉर्मल था उसका, एंड तो फिर हम उसके डाइजेशन में देखेंगे, डाइजेशन उसका कॉन्स्टिपेशन डायरिया तो नहीं है, और फिर उसके बाद कॉलिक देखेंगे उसको, यूरिनल में अपेंडिक्स के तो नहीं है, उसके बाद अदर सिम्टम्स देखेंगे, हेड अक, गिलनेस एंड डिस्पेनिया, एंड जनरल हेल्थ देखेंगे, गुड है, फेयर है, पुअर है। उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे उसके, ईयर एंड नोज नॉर्मल हैं, अब नॉर्मल हैं, टीथ, गम्स, टंग, ब्रश, निम्पल, हार्ट, लंग्स, स्पिन, लीवर, स्किन एंड एनल रीजन। उसके बाद हम उसका वल्वा चेक करते हैं, नॉर्मल अबनॉर्मल ग्रोइंग करते हैं, अबडोमिनल वॉल चेक करते हैं, लिम्फेटिक चेक करते हैं, एंड जनरल कंडीशन एंड अदर साइंस ऑफ सिम्टम्स चेक करते हैं, कोई वीकनेस नहीं है, हेडेक, फैटिक ये तो नहीं है। इसके बाद इसको हम चेक करते हैं। उसके बाद अबडोमिनल एग्जामिनेशन, अबडोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन करते हैं, फीटल मूवमेंट देखते हैं, बेबी मूव कर रहा है या नहीं, फीटल मूवमेंट कर रहा है या नहीं, उसको मदर को पूछते हैं हम। इसके स्किन चेंजेस देखें, मदर में कोई स्किन चेंजेस तो नहीं आए। उसके बाद हम डेट देखते हैं, किस डेट को हमने चेक किया है। फिर उसके बाद हम उसका जो फंडल हाइट है वो चेक करते हैं, कितनी सेंटीमीटर है और कितने वीक में है वो, और फिर एब्डोमिनल गिर्थ चेक करते हैं हम। सिफेलिक वर्टेक्स, इसमें हम प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ फीटस, फीटस की पोजीशन देखते हैं, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, सिफेलिक है, लेटरल है, चेक करते हैं। उसके बाद रिलेटिव साइज ऑफ द हेड ऑफ द पेल्विस, पेल्विस का हम साइज वगैरह देखते हैं, इंगेज है नहीं है। उसके बाद फीटल हार्ट रेट लिखते हैं कि कितना फीटल का हार्ट रेट हमें सुनाई दे रहा है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट में लिखते हैं कि मदर को हमने क्या ट्रीट किया है। आयरन टैबलेट चलती है एंटीनेटल की, एंड कैल्शियम टैबलेट, इंजेक्शन क्योंकि उसको वॉमिटिंग हो रही है उसके लिए मेडिसिन भी देते हैं। उसके बाद टीटी का इंजेक्शन भी लगता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड, जो भी उसका ट्राइमेस्टर चल रहा है इतने हम टीटी का इंजेक्शन लिखते हैं। उसके बाद एडवाइसमेंट, जो एंटीनेटल मदर है उसको हम क्या एडवाइस देनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीपिंग एंड टेक फुल न्यूट्रिशन डाइट एंड इन्फॉर्म एनी ब्लीडिंग एंड वजाइना एंड रेगुलर फॉलोअप एंड अदर एडवाइस भी देते हैं फॉर न्यूट्रिशन एंड रेस्ट के लिए, हाइजीन मेंटेन के लिए। उसके बाद है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कि एंटीनेटल के टाइम पे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करने चाहिए। पहले तो हम उसका HB लेवल चेक करते हैं कितना है, इसका है 11.9। उसके बाद ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव, ए बी। उसके बाद विडाल चेक करते हैं एंड ब्लड शुगर चेक करते हैं। उसके बाद यूरिन शुगर एंड एल्ब्यूमिन एंड HIV टेस्ट USG करते हैं। उसके बाद है रिस्क फैक्टर, इसमें हम रिस्क फैक्टर चेक करते हैं कि मदर को कौन से रिस्क फैक्टर हैं, मल्टीग्रेविडा एंड अदर। ये रिस्क फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताए थे जो मदर में मेंशन करने पड़ते हैं, इसके बाद ये रिस्क फैक्टर सारे, फर्स्ट है एज लेस देन 18 ईयर्स, 35 ईयर्स अबव, मैटरनल हाइट लेस, ये बेड ऑफ, ये हैं इसके रिस्क फैक्टर। इनके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर मदर को मदर की उसमें एंटीनेटल प्रोसीजर में हम मेंशन करते हैं। थैंक यू, एंटीनेटल एग्जामिनेशन इज कम्प्लीट। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू।